नारायणी दुर्गा उत्सव समिति का 20वां वर्ष हुआ पूर्ण भव्य रूप से बाजे गाजे के साथ मनाया गया शारदीय नवरात्र का पर्व। बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया प्रतियोगिता में भाग। कोटा शहर सहित ग्रामीण अंचलों में बड़े उल्लास के साथ माँ दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। जगह जगह विविध तरीकों से माँ दुर्गा जी की प्रतिमा का रूप विराजमान है। इसी कड़ी में शहर के लगे डोंगरी पारा के समीप विगत 20 सालों से नारायणी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा जी की प्रतिमा को बड़े ही साज सजा के साथ पूजा अर्चना करते आ रही है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्र पर पूरे 9 दिनों तक महिला सशक्तिकरण द्वारा देखभाल सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस तरह नारायणी दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य विजय साहू ने बताया कि माँ दुर्गा जी की पूजा बड़े ही विशेष रूप से मनाया जाता रहा है। इसके साथ ही प्रसाद का भी विशेष रहा है। सबसे पहले मैं तो आप प्रेस वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गांधी बाग की माता रानी दुर्गा उत्सव समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। जैसा कि आप माता रानी के दरबार में आए, माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी से आधे घंटे के बाद जस गीत का कार्यक्रम रखा गया है और कल इस्कान जो वृंदावन से जो आते हैं राधे कृष्ण वाले, उनका कल प्रोग्राम है। इस प्रकार यहाँ कार्यक्रम रोज जस गीत का कार्यक्रम चल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ माता रानी के दरबार में आते हैं। और हमारे समिति की माता रानी की एक खूबी है, दिल से मानी हुई मान्यता यहाँ पूरी 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 तरह से उनकी पूर्ण होती है और बड़ी श्रद्धा भाव से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन कर लाभ उठाते हैं। बिलासपुर कोटा से रितेश गुप्ता, सीजीविजन टीवी।